तो मैंने अभी तक आपको जो भी मार्शल आर्ट के बारे में वीडियो के माध्यम से बताया, उसमें सबसे पहले मैंने आपको वार्म अप कैसे करना है, किक पंच कैसे चलाने है, उसके बारे में बताया। उससे आगे वाली वीडियो में मैंने आपको हैंड टू हैंड कॉम्बैट और हैंड टू किक कॉम्बैट के बारे में जानकारी दी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम खाली हाथ और सामने वाले के हाथ में डंडा है या नाइफ है या कोई और वेपन लिए हुए है, तो हम उसके सामने अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं, तो उसके बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई हमें सिर पे डंडा मार रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमें करना यह है कि हम उससे ज्यादा पीछे की तरफ ना हटें, क्योंकि अगर हम ज्यादा पीछे हटेंगे तो डंडे की जो हिटिंग पावर है वो हमारे हाथ पे लगेगी और हमें ज्यादा चोट लग सकती है। तो हमें करना यह है कि जब हमारे सर पे कोई डंडे से अटैक कर रहा है तो हम उसके अंदर की तरफ जाना है। जब हम उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आसानी से एक तो पावर कम लगेगी डंडे की और हमें डिफेंस करने में ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने यहाँ पे डिफेंस करा और फिर अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे ट्विस्ट करना है, बाहर की तरफ घुमाना है ताकि उसके हाथ ऐसे घूम जाए और मुड़ जाए, और दूसरे हाथ को जो आपका राइट हैंड है उससे नीचे डंडे को इस तरह से पकड़ना और उसको बाहर निकाल। चलिए इसी को एक बार फिर से हम देखते हैं कि आसानी से आप इसको किस तरह से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जब डंडा कोई हमारे सर पे मारने वाला है तो हमें अपने दोनों हाथ यहाँ पे लेकर आना है, उसके हाथ के ऊपर हाथ को डिफेंस करना है, यानी कि उसके डिफेंस जो करना है उसके हाथों के ऊपर से करना है। और यहां से आगे क्या है, अपने लेफ्ट हैंड को हम बाहर की तरफ ट्विस्ट करेंगे और राइट हैंड को नीचे इस तरह उल्टा करके इस तरह से पकड़ेंगे ताकि डंडा आसानी से उससे बाहर आ जाए और यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे हिट कर देंगे हम यहाँ पे। फिर से देखेंगे एक बार, फिर ये यहाँ पे इस तरह से ये और फिर यहाँ पे हिट करेंगे। इससे आगे की टेक्निक है, बाय चांस कोई हमें यहाँ पे मार रहा है इस तरह, तो हम यहाँ पे किस तरह से अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही सिचुएशन है कि हमें इससे बाहर भागना नहीं है, इसके अंदर की तरफ को आना है ताकि इसकी पावर को हम कम कर सके यहाँ पे, और इसके बाद ये वापस उसी कंडीशन में इस डंडे को छीन लेंगे। फिर से आसानी से देखेंगे धीरे धीरे यहाँ पे, अब यहाँ से हमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड से अपने डंडे को, इस डंडे को नीचे की तरफ ऐसे घुमाना है बाहर की साइड। जब ये घूम जाएगा तो ये आसानी से उसके हाथ से बाहर निकल जाएगा और जिधर से भी निकलेगा हमें अटैक उसी तरफ से करना है। इधर से अगर छीनने में आ रहा है तो इधर से अटैक, और अगर हमने इसको इस साइड से छीना तो इधर से अटैक। ठीक है, चलो फिर से करेंगे एक बार। यहाँ पे हिट करा, यहाँ हमने डिफेंस, इसको डंडे को यहाँ से छीना, ऐसे घुमाया और यहीं के यहीं हमने इसको हिट करा। तो अगली टेक्निक है, अगर हमारे हम खाली हाथ हैं और सामने वाले के पास चाकू है तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको आसानी से वो समझ आ जाए और उसको आप वीडियो के माध्यम से भी कर सकें। तो सबसे पहले एक आसान है कि कोई अगर हमें अटैक करता है सीधा सीधा, तो सबसे पहले तो ये है कि कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा चाकू से तो उसका सीधा सा सिंपल फंडा यही है कि वो सीधा ऐसे ही अटैक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसी अटैक का डिफेंस और अपने आप को किस तरह से हम सेफ कर सकते हैं। जैसे इसने अटैक करा तो सबसे पहले अपने आप को उसके सामने से हटाना है, चाकू की लाइन से अपने आप को हटाना है और अपने राइट हैंड से इस तरह से डिफेंस करना है। डिफेंस करने के बाद इसको ऊपर लेकर आएंगे और दूसरे हाथ से हम इसके अपने हाथ को पकड़ेंगे, यानी कि हमें इसको ब्लॉक करना है और यहाँ पे पीछे की तरफ आसानी से नीचे गिर जाएगा। कितना भी हमसे वेट में सामने वाला बंदा हैवी हो वो आसानी से इस ब्लॉक को करने से आराम से नीचे गिर जाएगा। फिर से अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आसानी से सीख कैसे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये नाइफ मेरी साइड आ रहा है तो हमें अपने सीधे हाथ से इस तरह से डिफेंस करना है उसकी लाइन से हट के यहाँ पे, और इसी को ऊपर की तरफ लाना है, लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ से लाके अपने जिस हाथ से हमने पकड़ा हुआ राइट हैंड को पकड़ना, खुद का हाथ को ही होल्ड करना है और उसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। जब हम इसको नीचे झटकेंगे तो ये आसानी से हाथ पे ज्यादा दबाव पड़ने के कारण नीचे गिर जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा तेज करके दिखाता हूं, फिर यहां से इस तरह और ये स्टैंड अप। अब इससे आगे की टेक्निक, इससे आगे की टेक्निक में बाय चांस हो सकता है कि कोई हमें इस तरह से अटैक कर रहा हो,
तब हम क्या कर सकते हैं, मारेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि नाइफ आ किस तरफ से रहा है, उसी तरफ के हाथ को हम उससे डिफेंस करेंगे, ठीक है। अगर इस तरफ से आ रहा है तो इधर डिफेंस करेंगे, और इधर से आ रहा है तो लेफ्ट साइड से आ रहा है तो लेफ्ट साइड डिफेंस, और राइट साइड आ रहा है तो राइट साइड डिफेंस, ठीक है। तो अब देखेंगे ये यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ हम आए यहाँ पे। अब यहां से हम इसको होल्ड करेंगे तो ये आसानी से यहां से ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से झटका देके, या फिर हाथ को यहां से पकड़ना है और यहां से हम नाइफ को बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा से ये यहां से इस हाथ को नीचे लाए, जो हमारा राइट हैंड है नीचे ले जा करके हमने उसके हाथ को पकड़ा, ना कि नाइफ को पकड़ना है, यहां से इस तरह। और जब इसका हाथ ये मुड़ने लगेगा तो ये आसानी से नाइफ बाहर आ जाएगा। फिर से ये इस तरह से और ये यहां से, ठीक है। उसके अलावा बाय चांस ये इसने यहां पे करा हुआ है, तो यहां से हम ये हाथ से और यहां पे इस तरह से, अब क्या करेंगे अपने हाथ के इस वाले पार्ट से हम इस पे अटैक को इस तरह से करेंगे तो आसानी से बाहर निकल जाएगा। फिर से देखेंगे एक बारी, ये यहां से दूसरे हाथ से होल्ड करो, ये हाथ कहां से करना, अगर हम यहां से करेंगे इस तरह तो ये कट लगेगा, हमें जहां से ये प्लेन साइड है नाइफ को वहां से डिफेंस करना है इस तरह, ठीक है। फिर अगला दूसरा यहां पे, अगर ये इस तरह से अटैक करते हो और हम यहां से बचने की कोशिश कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमको यहां पे कट लगेगा, तो हमें क्या करना है, हमें उस हाथ को वहीं पे नाइफ के पास से ना जा करके उसकी एल्बो के पास से हमें उसको वहां पे होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद अपने राइट हैंड को यहां पे लेकर आएंगे और आसानी से मैंने जो पहले बताया था वो वाला लॉक लगाएंगे, उसको नीचे गिरा देंगे, सबसे आसान तरीका तो है ये, ठीक है। इसके बाद अगर दोबारा से यहीं पे ये हमने यहां पे किया, यहां पे हमने इसको लॉक किया, और यहां पे करने के बाद यहां से सीधा इसको छीनने के लिए अपने राइट हैंड को इसके नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और यहां पे हम बाहर निकाल लेंगे चाकू को। फिर से अगली टेक्निक है कि कोई हमें अगर यहां पे इस तरफ यहां पे चॉप करना चाहता है तो तब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे ये इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें डिफेंस करना है तो सबसे पहले अपने हाथ को जिस हाथ में नाइफ है उसको डिफेंस करना है, सबसे पहले ये डिफेंस यहां पे, ठीक है। और हाथों को हमेशा हमें उस तरफ टर्न करना है जहां पे वो ज्यादा मुड़े, और जब वो ज्यादा मुड़ेगा तो उसकी जो ग्रिपिंग है वो ढीली पड़ जाएगी और नाइफ बाहर निकल जाएगा। कैसे, मैंने यहां पे किया सीधे हाथ से मैंने चाकू को बाहर निकालने के लिए इसके रिस्ट को बाहर की तरफ इधर मोड़ा ताकि इसकी फिंगर लूज पड़ जाए, और जब भी लूज पड़ जाएंगे मैंने हाथ को यहां पे लिया और चाकू ये बाहर आ गया। तो अभी तक की जो भी आपने वीडियो देखी है मैंने बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है, आप इसको एक बार में नहीं दो बार में देखने की कोशिश करोगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगी और उसको आप करके देख सकते हैं, मगर उस तरीके से ताकि आप अपने आप को इंजर्ट ना कर लें। अगर आप इंजर्ट कर लोगे तो हमारा सिखाने का फिर फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और जितनी भी मैंने ये टेक्निक बताई है उनको प्रैक्टिकली करें, मगर उस तरीके से करें कि आप अपने आप को इंजर्ड ना कर लें। थैंक यू।